नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने आशा मिश्रा को महापौर पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया। आशा मिश्रा ने टिकट के लिए जहां नेतृत्व को धन्यवाद दिया, वहीं अपनी जीत का दावा भी किया है। आशा मिश्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता इमरान खान ने। कांग्रेस कमेटी ने 15 लोगों की लिस्ट जारी करी है, उसमें खंडवा से महापौर पद के लिए आशा मिश्रा को जो है उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है। आशा मिश्रा जी हमारे साथ है, उनसे चर्चा करेंगे। आदरणीय कमलनाथ जी, उनका मैं हृदय से धन्यवाद दूंगी। अरुण यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, इन सबका दिल से धन्यवाद दूंगी कि इन्हें मुझे इस योग्य समझा कि मैं चुनाव में खड़ी हुई हूँ। मेन समस्या है जल, हर घर जल, स्वच्छ जल। ये चाहूँगी मैं, अभी गर्मी के दिन हैं, टैंकर कितना पानी पुराएगा? टैंकरों से पानी की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। इतना करोड़ों का रुपया लगा है, क्या हुआ बताइए मुझे? आज जल की समस्या वहीं की वहीं है। हर घर जल मिले, स्वच्छ मिले, इतना गंदा मिलता है कि नहाओ तो क्या पी भी नहीं सकते, उसको नहा भी नहीं सकते। जल स्वच्छ मिले और स्वच्छ अपना खंडवा हो, ऐसी कामना है। यातायात, रिंग रोड, कई ऐसी समस्याएं हैं जिन पे विचार करना चाहिए और खंडवा को एक नया रूप देना चाहिए। खंडवा में कोई बाहर से आता है तो बोलता है, यार मैं इतने साल बाद आया, मुझे आज खंडवा वहीं की वहीं है, क्या सुधार है? खंडवा को सुधार की ज़रूरत है। मुझे बताइए आप कि जनता पार्टी क्या कर रही है? विधायक उनके, सांसद उनके, मुख्यमंत्री उनके, सब कुछ उनका, क्या किया उनने इतने सालों में? कुछ सुधार दिख रहा है आपको? वहीं की वहीं सारी व्यवस्थाएं हैं, समस्या वहीं है। रोज के दुर्घटनाएं होती हैं, रोज की दुर्घटनाओं में लोग मर रहे हैं, हर समस्याओं का कहाँ है समाधान? उनकी सरकार थी तो उनने करना था। तो ये थी हमारे साथ आशा मिश्रा जी, उन्होंने कहा है कि पानी की समस्या, उसको लेकर जो है प्राथमिकता से इस मुद्दे को उठाया जाएगा और जनता का जो है पूरा भरोसा कांग्रेस को मिलेगा।